नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो 10th या 12th लेवल के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाने का आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप 10th लेवल के या फिर 12th लेवल के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमा सकते हो। और इजी प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, ठीक है। पर साथ ही ये बताऊँगा कि कौन कमा सकता है, कौन नहीं कमा सकता है, किसे इस काम को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ ये बता दूँ आपको, चलो चलो मैं बता दूँगा। चलो पहले देखते हैं कि है क्या चीज़। देखो, नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है फोटो स्टडी। अगर नहीं सुना हो तो आप देखो। तो इसमें क्या बोल रही है, मेक अप टू $400 प्लस अ मंथ एज अ गॉट इट स्टडी एक्सपर्ट। तो आप स्टडी एक्सपर्ट बन के $400 से भी ज़्यादा तक आप इसमें कमा सकते हो 1 महीने में, ये इनका बोलना है ऐसा, ठीक है। तो आप किस तरीके से, वो तो बात की बात है कि आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर आपको करना क्या है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है वो है आपको आपको केवल 10th या 12th लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स के इजी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो अपना क्वेश्चन सेंड क्वेश्चन करेगा, है उन्हें नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो इस पे अपने डाउट्स पूछते हैं, तो उसका ये कंपनी आपको देती है पैसा, ठीक है। तो आपको बस सबसे पहली बात, आपको इसमें कोई अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लाइव पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिख कर बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊँ आप किसको जाना चाहिए। सबसे पहली बात, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम आपको इंग्लिश में करना है ना। तो इंग्लिश जिसकी अच्छी हो वो यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। और इंग्लिश वो वाली नहीं कि आप व्हाट्सएप पर कर लिया, चलो ठीक है, व्हाट्सएप वाली चैटिंग वाली नहीं, आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो पूरा इंग्लिश में बताने का है, कि आपको पूरा इंग्लिश में समझाना है, कोई व्हाट्सएप की लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है आपको समझाने का, किसी क्वेश्चन का प्रॉपर जो स्टेप स्टेप बाय स्टेप कैसे समझाते हैं, वो इसमें चाहिए, ठीक है। तो एक इंग्लिश आपकी रिक्वायर्ड है यहाँ पर अच्छी तरीके वाली, ठीक है। और अब इसकी प्रोसीजर क्या है, देखो यहाँ पर होगा क्या। देखो सबसे पहले आपको फेसबुक से इसमें लॉगिन होगा, ठीक है। तो आपके पास फेसबुक की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो ये आपको कुछ 3 वीडियोस दिखाएंगे, ताकि आप इनके सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से समझ पाओ कि किस तरीके की उस सॉफ्टवेयर में करना है आपको सारा काम। कोई क्वेश्चन आया तो उस सॉफ्टवेयर में आएगा, है ना। तो उसे कैसे आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन आया और किस तरीके से आपको उसका आंसर भेजना है, तो सारा उस सॉफ्टवेयर में होगा। तो उस सॉफ्टवेयर को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको उसमें 3 वीडियो में ये समझाएंगे आपको कि आपको किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को समझना है, ठीक, किस तरीके से आपको काम करना है उस पर। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा कि आपने उस सॉफ्टवेयर को जो 3 वीडियो में समझाया उनको कैसे जाना, किस तरीके से आपने जाना, तो उसका एक टेस्ट होगा। टेस्ट यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है कि क्या इसमें सही आएगा। तो 30-40 कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो उनको आपको देना है। अगर आपके सारे सही हो गए तो आप इस पे एक काम कर सकते हो अपना, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो इस पे क्वेश्चन, आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आने आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यही जो ये आपका पॉलिसी एंड सब्जेक्ट टेस्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट अर्निंग कर देनी है, ठीक है। तो जो मेन बात है इसमें, पॉलिसी वाले सब्जेक्ट वाले टेस्ट में जो मेन जो वो बात है वो ये है, जैसे कि आप फेसबुक से लॉगिन करोगे तो अगर आपका एक बार भी गलत हो गया ना क्वेश्चन, तो आपका एक चांस गया, और आपको 2-3 चांस मिलेंगे ऐसे करने के टेस्ट को, ठीक है। तो उसके बाद आप कभी भी नहीं कर सकते उस आईडी से, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से उसको देना है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरी आईडी है तो उस आईडी से आपको करना पड़ेगा सारा लॉगिन वाला सिस्टम, ठीक है। पर एक आईडी से आप 2-3 बार ही कर सकते हो, और उसमें सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ऐसा कुछ इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप लॉगिन करो ना, उसके बाद आपने वीडियो देख ली तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है। पर जो टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स की चांस हो सकते हैं, तो आप क्या करो यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि फोटो स्टडी का टेस्ट वेस्ट, जो भी आप यूट्यूब पर लिख देना ऐसे ही, ठीक है, आ जाएगा यूट्यूब पर। सारे वो टेस्ट बता सारे क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। एक आध गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है। तो उसमें वो बता देंगे, ठीक है, मतलब मिनिमम कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए वो सही होने चाहिए। तो उसको ज़रूर देख लेना आप, सारे एक लिख लेना कॉपी में या जिस तरीके से भी आप, और वही वाले उसमें डाल देना ताकि आपका हो जाए सही से, ठीक है। तो बस,
और फिर आपको इस पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बस आपको इस पे अच्छे से करना है, और क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो उनको। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। और जिस जो क्वेश्चन है वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, उसके आपको बढ़िया, आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार मैं यही बताना चाहता था बस, ठीक है। तो चलो वीडियो का आज स्टॉप करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।